गवर्नर के दिए गए बयान पर बौद्ध भिक्षु ने जताई आपत्ति, कहा बुद्ध कौन थे क्या थे, इस बात का सर्टिफिकेट क्या यहाँ के राजनेता देंगे। बोधगया के एक निजी होटल में बोधगया महाबोधि महाविहार के पूर्व मुख्य पुजारी व ऑल इंडिया भिक्खु महासंघ के प्रेसिडेंट वेदांत आनंद महास्थावा ने राज्यपाल द्वारा दिए गए बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उनका बयान उस समय दिया गया जब महाबोधि मंदिर में बुद्ध जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा था। करीब 17 देशों के बौद्ध धर्मावलंबी मौजूद थे। उस समारोह में बिहार के गवर्नर द्वारा अपने संबोधन में यह कहना कि भगवान बुद्ध श्री कृष्ण के अवतार थे, यह जताता है कि उन्हें बुद्ध दर्शन का ज्ञान नहीं। अब तक भारत के प्रधानमंत्री एवं विभिन्न हिंदू मठों के शंकराचार्यों द्वारा बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता था। वर्तमान में महामहिम राज्यपाल ने एक नया विवाद छेड़ दिया है कि भगवान बुद्ध श्री कृष्ण के अवतार थे। उन्होंने कहा कि बुद्ध कौन थे क्या थे, इस बात का सर्टिफिकेट क्या यहाँ के राजनेता देंगे। मदनदानंद महास्थवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ एवं बुद्ध का मुक्ति आंदोलन समिति महाबोधि विहार, मैं राज्यपाल के इस बचकाने बयान पर ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री या अन्य शंकराचार्यों द्वारा या देश के अन्य राजनीतिक नेताओं द्वारा बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया जाता है। वर्तमान में हमारे महामहिम राज्यपाल ने एक नया विवाद छेड़ दिया कि वो कृष्ण के अवतार है, तो क्या बुद्ध कौन थे क्या थे ये राजनीतिक नेता उसका सर्टिफिकेट देंगे। हम आगे चल के ये करने वाले हैं कि जो भी कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है, बल्कि भारत की धरती पर शनै शनै बुद्धिज्म को विकृत करके, बुद्धिज्म के मूल स्वरूप को नष्ट करके ये अपनी संस्कृति को भारत की धरती पर थोपना चाहते हैं, उसको कामयाब नहीं होने देंगे। ये देश मानव समाज का देश है, किसी जाति विशेष का देश नहीं है, किसी की जमींदारी नहीं है। इस देश की आज़ादी में जो भी लोग मारे गए, जिन लोगों ने कुर्बानी की, वो एक जाति के, एक धर्म के, एक मजहब के नहीं थे। इसीलिए इस देश में अगर इस तरह की बातों को बढ़ावा मिलता है तो ये देश टुकड़ों में बटेगा, खून खराबा होगा, ऐसा हम भारत की धरती पर होने नहीं। सबसे पहले तो मैं भगवान बुद्ध की 2567वीं जयंती पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और ख़ास करके जो बिहार के राज्यपाल अभी नए नए बनाए हैं वो राज्यपाल महामहिम कहलाते हैं, लेकिन कल उन्होंने ये विश्व स्तर की जयंती मनाई जा रही थी यहाँ पर, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे प्रतिनिधि थे, बौद्ध कंट्रियों के करीब 17 बौद्ध कंट्रियाँ उसमें शामिल थीं। उनको देखते हुए उन्होंने जो अपनी योग्यता का परिचय दिया वो बहुत ही तुच्छ योग्यता है, राज्यपाल के काबिल नहीं है। तत्काल मैं स्वयं उनसे बर्खास्ती का मतलब निवेदन करता हूँ कि उनको अपनी अयोग्यता को ठहराते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो राज्यपाल कहलाने के योग्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने भगवान बुद्ध को श्री कृष्ण का अवतार बताया है। ये किसी भी किताब में नहीं लिखा है और किसी भी संविधान में नहीं लिखा है कि भगवान बुद्ध कृष्ण के अवतार थे, अभी तक हमने सुना भी नहीं है। तो ये उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा होता है। अभी तक प्रधानमंत्री की डिग्रियां मांगी जा रही थी, मैं बोलता हूं कि अभी ये जो भी राज्यपाल बने वो सर्टिफाइड कॉपी लेके और बिहार में आए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उनकी योग्यता विश्व में दर्शा दी गई है कि उनकी निम्न स्तर की योग्यता है, वो राज्यपाल के पद पर रहने के काबिल नहीं है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से मेरा पूर्ण निवेदन है कि वो तत्काल उनको बर्खास्त करें और अपने दिल्ली में बुला लें। बिहार की धरती पर रहने के काबिल नहीं है वो, बिहार में रहने का उनको अधिकार भी नहीं है, क्योंकि जो भगवान बुद्ध को नहीं पहचान सके वो कौन है क्या है उनके बारे में अलप सलप बोल देना जो राज्यपाल को दूषित करता है, खास करके हमारे बुद्धगया के महाबोधि महाविहार को भी ठेस पहुंचा है। पूरे विश्व में उनकी निंदा हो रही है, उनको ज्ञान की निंदा हो रही है कि राज्यपाल महामहिम होते उनके ज्ञान कितना ऊंचा है, जो उन्होंने साबित कर दिया। मैं भदन सत्यानंद महास्थवेद बोधगया महाबोधि महाविहार का पूर्व मुख्य पुजारी होता हूँ।